26 वर्षों से निकल रही पशुपतिनाथ मंदिर से शाही सवारी सावन के चौथे सोमवार पर किया जा रहा है रथ को तैयार। मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से सावन के चौथे सोमवार पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शाही सवारी निकाली जाएगी। प्रातःकालीन आरती मंडल के तत्वाधान में 26 वर्षों से शाही सवारी धूमधाम से निकाली जा रही है, पर इस बार कोरोना वायरस के चलते मंदिर परिसर में ही शाही सवारी को घुमाया जाएगा। दिल्ली, मुंबई और झाबुआ एवं मंदसौर के लोकल कलाकार शाही सवारी में पहुंचेंगे। ढोलक नगाड़े शाही सवारी की शोभा बढ़ाएंगे। सुबह 8 बजे से ही पशुपतिनाथ मंदिर पर शाही सवारी को लेकर पूजा अर्चना शुरू कर दी जाएगी और 11 बजे रजत प्रतिमा का श्रृंगार कर पूजा अर्चना अभिषेक कर रथ में विराजित कर मंदिर परिसर में ही निकाला जाएगा, जो कि शाम को 5 बजे से 6 बजे तक शाही सवारी निकलेगी। उसी को देखते हुए जिस रथ में भगवान की रजत प्रतिमा विराजित होगी उस रथ को तैयार किया जा रहा है, लाइटिंग फूल से सजाया जा रहा है। प्रातःकालीन आरती मंडल के अध्यक्ष दिलीप शर्मा, प्रातःकालीन आरती मंडल के प्रवक्ता उमेश परमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 26 वर्षों से शाही सवारी निकाली जा रही है धूमधाम से, पर इस बार कोरोना की बीमारी के चलते मंदिर परिसर में ही शाही सवारी को निकाला जाएगा और लोगों में बड़ा उत्साह है। जय जय महादेव। कल सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान पशुनाथ की शाही सवारी का आयोजन किया जाएगा, पर इस बार भी कोरोना की वजह से यह सवारी नगर भ्रमण न होते हुए भगवान को यहीं रथ पर विराज करके सुबह 11:15 बजे भगवान की आरती की जाएगी और मंथोर के और बॉम्बे और झाबुआ के ढोल कलाकारों द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा, जो दिन भर चलता रहेगा और शाम को 5 बजे भगवान का आरती का समापन करके सवारी का समापन किया जाएगा। किस तरह रथ को तैयार किया जा रहा है? रथ को तैयार करा जा रहा है, रथ की डिजाइन और ये लाइटिंग फूलों से और भगवान का आधुनिक श्रृंगार करके कल रथ को रथ पे बिठा दिया जाएगा भगवान। जय माता दी। परंपरा अनुसार श्रावण मास के अंतिम सोमवार को हर वर्ष शाही सवारी निकलती है। इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शाही सवारी मंदिर प्रांगण में ही निकलेगी। यह शाही सवारी का 26वां वर्ष है। शाही सवारी को लेकर भक्तों में अपार उत्साह है। इस बार भारी पार्टियों को भी हमने बुलाया है और शाही सवारी में लेकर महिलाएं, पुरुषों, युवाओं सभी में जबरदस्त उत्साह है। ऊपर मंदिर प्रांगण में निकलेगी। सुबह 9 बजे से आयोजन 8 बजे से आयोजन शुरू होगा, जो शाम 6 बजे 5 बजे तक चलेगा। इसमें बॉम्बे, महाराष्ट्र के और झाबुआ के ढोल ताशे नगाड़े रहेंगे, साथ ही मंदसौर के ढोल और बाजे रहेंगे और यहाँ के भी युवा अपने विशेष परिधान में रहेंगे।